हेलो। ओपन पूरा कंप्लीटली ओवरथ्रो देता हूँ मैं प्रोजेक्ट का। ठीक है, सो फर्स्ट अपना जो सीन है वो मेन मेन्यू रहेगा। ठीक है, ये मेन मेन्यू वाला अपना सीन रहेगा फर्स्ट। यहाँ पर सिंपल सा एनिमेशन हुआ है और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है अपने, है कैमरा को सेट, कैमरा का सिंपल ऑर्थोग्राफिकल कैमरा है इसमें। और ओके ओके, सो यहाँ पे कैनवास में चेंजेस हैं। यहाँ पे 100 और 600 मैंने इसके वेट देख रखे हुए हैं, सो प्रॉपर ये अलाइन रहेगा ये अपना कैमरा। हाँ, देन उसके बाद में यहाँ पे बटन्स है। ठीक है, ये बटन्स के अंदर एनिमेशन के वो यहाँ पे ये रखी है। ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ से, यूआई कंट्रोलर से। देन अपन चलते हैं और रीड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे सब इमेजेस है, इमेजेस का एक कंटेनर है जहाँ सब अपनी इमेजेस एक एक करके चेंज हो रही है। ये बटन्स के ऊपर अपन ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फंक्शन लगा के रखा हुआ है। ये वाली इमेज है अपनी, यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सभी इमेजेस है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोजेक्ट्स। ओके, ये एक एक करके स्विच होती जाती है। बटन्स के कोड देख लेते हैं अपन। ये यहाँ पे इसका बटन लगा हुआ है, अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो एक मिनट सी को अपन ने एक्सटेंड किया है। यहाँ पे अपन ने लिस्ट ले ली है, कितने जितनी भी अपने इमेजेस है उसके अपन ने लिस्ट ले ली है। देन लिस्ट में लेने के बाद में यहाँ पे काउंटर -1, मतलब उसकी जो -1 रहती है, बैक बटन अपन ने इक्वा प्रेस किया तो मेन मेन्यू पे चले जाता है। और एल्स, उसके एल्स में अपन ने कंडीशन लगा कर रखी है कि पॉइंट 0 0 नहीं रहता है तो उसमें प्लस होगा, तो उसकी जो प्लस वाली इमेजेस है वो ऑफ फॉल्स हो जाएगी और स्टूडेंट्स इमेज वो ट्रू हो जाएगी। तो ये अपन ने बैक के लिए लगा के रखा हुआ है कि बैकवर्ड आना है तो, और नेक्स्ट के लिए अपन ये लॉजिक लगा के रखा हुआ है फॉरवर्ड के लिए कि प्लस हो जाएगी। ये यहाँ पे काउंटर हो जाएगा, काउंटर -1 जो है वो फॉल्स हो जाएगी और काउंटर जो रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू सेम रहेगा तो काउंटर 0 हो जाएगा, देन प्लस प्लस। ठीक है, तो ये अपनी एप्लीकेशन हो गई फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए, इमेजेस के लिए। तो यहाँ का लेआउट अपन ने प्रॉपर रखा हुआ है। इसको जो बटन है इसको अपन एंकर सेट है इसका, जो बटन है ये बटन है, बटन के एंकर सेट है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सेट है, रिटर्न का सेट है और बैक बटन का भी एंकर यहाँ पे सेट है। गेम व्यू में जाते हैं, बैक करता हूँ मैं एक बार और, चेक कर लेते हैं इसको मूव करके। तो ये रिटर्न भी होता है, मतलब जहां पे अपन फुल स्टार्ट हो गए थे तो रिपीट होना चालू हो जाएगा। बैक बैक करते हैं तो हम मेन मेन्यू में पहुंच जाएंगे, जो मेन सीन है वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये मेन मेन्यू पे अपन को पहुंच जाए। अब यहाँ पे व्यू ऑफ द लैब, लैब का व्यू है यहाँ पे, कि ये कैमरा अपना पोजीशन ले रहा है, कैमरा एनिमेशन है सिंपल, इसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा में कुछ चेंजेस हैं क्या? 60 फील व्यू है, 3 और 5 100 है और एनिमेशन। ओके, देन सीन है डिफरेंट वाला, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन माइंडिंग। अदर प्रोजेक्ट है अपना, कि अपन बैक जाते हैं यहाँ से मेन मेन्यू पे जाते हैं और एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। यहाँ पे अपन ने एक पैनल अलग से लेके रखा हुआ है जहाँ पे अपन ने क्लास डिविजन करके रखा 9th एंड 10th। सो कैनवास में गए पैनल में प्रैक्टिस, यहाँ पे 9th और 10th। ओके, यहाँ पे भी दोनों पैनल बंद है, बस बटन चालू है, बाकी पैनल बंद है। सो व्हेन वी क्लिक इनटू द 9th क्लास, तो 9th का पैनल ओपन हो जाएगा लाइक दैट। ये देखो यहाँ पे पैनल ओपन हो गया है। ये जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है ये लिखी हुई है यहाँ पे सब, कौन सा? ओके, यहाँ पे अपन ने स्विचिंग की अपनी कि कौन सा पे स्विच करना है, कौन सा सीन के ऊपर स्विच करना है। और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि क्लास 9th है या 10th,
ओके तो यहाँ पे अपन ने 9th के लिए लिखा, 10th के लिए लिखा हुआ, और बैक बटन के लिए कोड लिखा हुआ है। देन 9th के ऊपर क्लिक किया, देन उसके अंदर अपन एंकर सबके सेट करे हुए हैं, पोजीशन सबके सेट है। और सबके पास में अपने अपने रेफरेंसेस है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किसको प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से उसको नंबर मिल जाएगा कि कौन सा नंबर का सीन ओपन करना है उसको। ठीक है, मैं अभी क्लिक करता हूँ सेकेंड नंबर के सीन पे। ये एड बटन के क्लिक का मैं चेंजेस। ओके तो सीन पे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये एक अपना एक कॉमन है जहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता है, और नेम है, नेम ये जो ऊपर का जो नेम है वो नेम है, स्टार्ट टेक्स्ट ये यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट टेक्स्ट है। नीचे अपन ने एक डिनोट करके रखा है कि कंट्रोल से मूव होगा, और यहाँ पे ऊपर अपन ने एक ऊपर अपन ने सिंपल अपन ने सब कुछ चीजें दी हुई है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। और ये मैनेजर हो गया। यहाँ पे जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स है जो कंट्रैक्टेबल है वो यहाँ पे है। इनिशियली फॉर स्टार्टिंग स्टेज में ये सब बंद रहेंगे, फॉल्स रहता है, देन जिस पे क्लिक करते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट के पैक में ऑन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लिस्ट है बटन्स की, लाइक स्टैंड बटन, ये वाला स्टैंड है, बात सन बात सैंड और ऑल दैट। ये यहाँ पे आपको सब टैक्स मिल जाएंगे, और ये स्टार टैक्स है जो ये वाला जो टैक्स है स्टार टैक्स है, यहाँ पे जो भी अपन एडिट है वहाँ पे एडिट होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला अनएक्टिव हो जाएगा, इसके बाद में इसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसके यहाँ पे मॉडल आ गया उसका, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, और देन उसके बाद में आप क्या लेना है वो आ गया। तो यहाँ पे अब अपन सेंड पे क्लिक करके सेंड पे क्लिक करेंगे तो अब सेंड वाला जाएगा, ये वाला डिसएक्टिव हो जाएगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। तो अपन प्रोसेस कर रहे हैं कि ये वाली प्रोसेस के बाद ये वाली प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं अपन इस प्रोसेस को। तो ये लास्ट में मूव होते होते ना ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि अपना रिजल्ट क्या है। ये भी पूरा स्क्रोल बॉक्स है, सो यू कैन रीड ऑल द थिंग्स। यहाँ से मेन्यू हो गया। अब मैं स्क्रिप्ट बताता हूँ स्क्रिप्ट क्या है इसमें। तो यहाँ पे अपन ने गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अपने सब गेम ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपने लिस्ट अरे हो गया बटन्स का, देन उसके बाद में अपने स्टार्ट हो गया कि स्टार्ट में अपन को क्या करना है, देन उसके बाद में सभी बटन्स के अपने अपने स्क्रिप्ट, सभी अपनी अपनी मेथड है, और सभी सीन्स में ये अलग अलग है। तो वी वॉन्ट टू डू ऑल थिंग्स इन अ डिफरेंट एवरी लाइक सीन हो गया, सेवन सब में अलग अलग है। ये वहां से फैच करके ये जो इसके अंदर जो टैक्स है वो अपन ने जो बुक के अंदर लिखा हुआ है वहां से निकाला हुआ टैक्स है, वो यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बटन के अपन ने काउंटर करवा के उसको कंट्रोल किया है कि कौन सा ऑन होगा कौन सा ऑफ होगा। यहाँ से अपन ने गेम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया है। ठीक है, यहाँ पे अपन को रूटीन चलाया है कि अपन लास्ट में जो अपना रिजल्ट हो, जब अपना बर्नर बंद हो जाए देन उसके बाद में अपन एक रिजल्ट हो, तो यहाँ पे अपन को पूरा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये बर्नर हो गया, ये गाइड टेक्स्ट हो गया, देन ये कप वाले की मेथड हो गई, ऑल थिंग्स दैट। ठीक है, और ये था ऑल थिंग्स कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद में मेन्यू में जाके फिर अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा करना है। सो आई क्लिक ऑन टू द साइवर, इसमें भी सब चीजें सेम है। यहाँ पर टैक्स, यहाँ पे बटन्स है, सेम स्क्रिप्ट है यहाँ पे भी। ठीक है, ये एक बार स्क्रिप्ट और अपन देख कर चेक कर लेते हैं। कैमरा है, हाँ एक चीज और है, यहाँ पे जो फार कैमरा इसमें कम था, मैंने 400 किया है क्योंकि इसका व्यू अपन को पूरा चाहिए था। तो ये केवल का कैमरा है, रोटेशन है इसके अंदर कि कैमरा रोटेशन है, यहाँ पर अपन ने स्पीड देख रखी हुई है। कैमरा रोटेशन के स्क्रिप्ट मैं बता देता हूँ, पब्लिक के वेरिएबल्स है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में अपन ने ड्रॉ इमेज है, इनपुट गेट इनपुट को माउस का बटन जब क्लिक करते हैं और लेफ्ट कंट्रोल रहेगा तो अपना ये इनिशिएट होगा, और ये एक्स और वाई के जो एक्सेस है उसको ये फाइंड करता है। सेम थिंग रेखा 17 के, रेखा 17 में भी अपनी मेथड सेम है, बट इसके अंदर के ऑब्जेक्ट चीजें अलग अलग है। यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट्स का अपन ने स्टार्ट रोटेशन भी लेके रखा हुआ है कि जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपन को फोकस करना है स्टार्टिंग।
और देन उसके बाद में बटन है, ऑन और ऑफ है, यहाँ पे इसका टेक्स्ट है, सब चीजों का अपना अपना टेक्स्ट है, सभी के अपने अपने मेथड्स बनी हुई है, मंजर्ट की हो गई, क्लैश की हो गई, उसके बाद में लास्ट में एक पैटिंग अपना रिजल्ट शो कर देगा, ये रिजल्ट। तो आई थिंक इट्स सेम, आई थिंक नो, सब चीजें कवर हो गई है, सब चीजें कंप्लीटेड है, ठीक है।